जा रहे हैं आप? सारा दिन सोते रहते हैं, रात को घर से बाहर चले जाते हैं, हर वक्त घर से बाहर। तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? तकलीफ है मुझे, क्योंकि जिन लोगों से उधार लिया है ना, वो रोजाना दिन रात बेल बजाते रहते हैं, जलील करते हैं मुझे। कहां से दूं मैं उनके पैसे? घर चलाऊं, सिलाई करूं, क्या करूं? और घर के दोनों मर्द फारिग बैठे हुए हैं। बेटे से कहो करे वो कोई काम। नहीं सुनता वो मेरी बात। जबानी कलामी हजार दफा कह चुकी हूँ, अब सिर्फ जूते लगाना बाकी रह गए। भाई मैंने तो कोई कर्ज नहीं लिया, जिसने कर्ज लिया है वो जाने। सफीम, मैंने आपके कहने पे लिया था, आपने कहा था बैंक से 2 लाख मिल जाएगा। उन्हीं 2 लाख से तो मैंने इन सब कर्जदारों का कर्ज उतारना था। सलीम कैसे? भाई वो बैंक वाले 2 लाख तो तुम भूल ही जाओ। पूछा क्यों? वो नहीं मिलने वाले, खत्म। क्यों नहीं मिलेंगे? मैं कहां से इन लोगों के पैसे उतारूंगी? सलीम घर की कोई चीज भेज दो। घर की चीज? क्या क्या बेचू मैं इस घर की चीज? ये इस्तेमाल शुदा फर्नीचर, पुराने बर्तन, क्या चीज बेचू? आप मजाक कर रहे हैं ना सलीम? अरे मेरा तुम्हारा कोई मजाक है भाई? संजीदा बात कर रहा हूँ, और 100 बातों की एक बात है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास 1 पाई भी नहीं है। हाँ तुम चाहती हो तो रूसा से बात कर लो, वो तुम्हारी कोई मदद कर देगी। बेटी से मांगू? पहले बगैर जहेज के, बगैर किसी चीज के उसे बोझ की तरह उतार कर फेंक दिया, अब मैं उससे कहूं कि घर के खर्चे भी चलाए? मैं नहीं कर सकती ये, मैं तो मर जाऊंगी। तो मैंने कहा भाई मेरी पसंद से शादी की तुमने, उसकी पसंद की शादी करवाई, मेरा क्या गुनाह भाई? जो करना करो।